बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आई एम निमरा मुश्ताक फॉर अलहम कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल। ठीक है, हमने 1/3 पोजीशन जो पार्ट है बल्कि 1.5 पार्ट अपना बुक का कंप्लीट कर लिया, जिसमें क्या क्या था। हमने सबसे पहले जनरल डेफिनेशन पढ़ी माइक्रोबायोलॉजी की, उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन से कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर हमने ये देखा बैक्टीरिया को पढ़ा, फिर हमने वायरस को पढ़ा, फंगस को पढ़ा, मोल्ड को पढ़ा। अब हम क्या पढ़े हैं, नेक्स्ट स्टेप पढ़े हैं, यानी कि नेक्स्ट हाफ पढ़े हैं बुक का, जिसका नाम क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, हवा में कैसी है, वाटर में कैसी है और सॉइल में कैसी है। वो कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपोजिशन फिजिकोलॉजी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कम्युनिटी। वो कहते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी ने क्या किया है, ग्रेट रेवोल्यूशन लाया है, किसमें, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन एनवायरनमेंट में। यानी कि उसके कहने का मतलब यह है कि जब से हमने माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करना शुरू किया है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की को पढ़ना या अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान हो गया। अब कौन कौन सी चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होगी, सबसे पहले कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब क्या है कि किस तरह बनावट किस तरह है, बने किस तरह है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक्स, उसका मतलब है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनहेरिटेड ऑर्गेनिजम्स बाय देयर जेनेटिक्स, यानी कि हमने उसके अबाव अजदाद की स्टडी करनी है कि वो किस किस तरह से अब तक मॉडिफाई हुआ है, उसके अबाव अजदाद कौन कौन से। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि उसकी स्टडी क्या है, इंटरनल स्टडी क्या है स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, और वो हम किसकी पढ़े हैं, माइक्रोबियल कम्युनिटी की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कहते हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजी माइक्रोबियल कम्युनिटी इन्वायरमेंट। वो कहते हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है कि हमने स्टडी करनी है किसकी, कंपोजिशन की, और फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी, माइक्रोबियल कम्युनिटी की इन इन्वायरमेंट में। वो कहते हैं माइक्रोबियल इन्वायरमेंट इन द केस मीन दैट, अब वो कहते हैं इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पर हम बार बार इन्वायरमेंट का जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, तीन चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में। सबसे पहले क्या आ जाती है, हमारी एयर, फिर आ जाती है सॉइल, और लास्ट में क्या आ जाता है, हमारा वाटर। वो बार बार ये बात बता रहा है कि हमें इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंपोजिशन और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी उनके काम करने का तरीका क्या है। और वो कह रहे हैं इन्वायरमेंट का मीन क्या है, हमारे पास एयर, सॉइल एंड वाटर। अब सबसे फर्स्ट वन को पढ़ लेते हैं, सबसे हमारे पास फर्स्ट वन क्या है, माइक्रोबायोलॉजी और एयर नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर है। ठीक है ना, इसको सही कर लें, बुक में और नहीं है, एफ हैगा यहाँ पर। ठीक है ना, ऑफ एयर। वो कहते हैं माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ एयर इज़ टेम्परेरी एंड वेरिएबल। वो कहते हैं कि माइक्रोबियल फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है ग्रुप, क्या होता है इसका मतलब, ग्रुप। वो कहते हैं जो भी माइक्रोबियल फ्लोरा, यानी कि माइक्रोब्स के जितने भी ग्रुप हवा में प्रेजेंट है, वो टेम्परेरी होते हैं, ठीक है ना, कुछ अरसे तक रह सकते हैं, और वेरिएबल होते हैं यानी कि बदलते रहते हैं। कहते हैं एयर, कहते हैं एयर क्या है, एयर इज़ नॉट अ मीडिया, एयर क्या है, मीडिया नहीं है, इन विच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो बट अ कैरियर ऑफ पार्टिकुलेट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैटर, डस्ट एंड ड्रॉपलेट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि वो कहते हैं एयर हमारे पास क्या है, मीडियम नहीं है। मीडियम का मतलब है क्योंकि एयर हवा है, हवा आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर माइक्रोब रह सके, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं हवा के अंदर माइक्रोब्स रहते कैसे हैं या ग्रो कैसे, कहते हैं हवा के साथ बहुत सारे पार्टिकल्स जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके के मैटर्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स का मतलब है कि हवा में मौजूद कोई भी वाटर कंटेंट जिसके अंदर किसी भी तरह का वाटर कंटेंट हो सकता है, ठीक है, जैसे बारिश के कतरे, मॉइस्चर रह सकता है, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी की वजह से रह सकता है। दोबारा से बता देती हूँ, वो कहते हैं माइक्रोबियल फ्लोरा का मतलब क्या है, वो कहते हैं माइक्रोब ऑफ एयर का मतलब क्या है कि माइक्रोबियल फ्लोरा जो हवा में है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है ना, परमानेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेरिएबल है, यानी कि वक्त के साथ बदलता रहता है। वो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली कि एयर में माइक्रोब्स कैसे रह सकते हैं। अक्सर लोग कह देते हैं कि एयर इज़ अ मीडियम, एयर कोई मीडियम नहीं है, यानी कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई चीज़ रह सकती है। लेकिन वो कहते हैं एयर के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, हवा को तो हम छू नहीं सकते ना, लेकिन हवा के अंदर आपको अगर रोशनी में देखो तो आपको ज़र्रे नज़र आते हैं, ठीक है। तो एयर में क्या है, पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, मैटर पार्टिकल्स हो सकते हैं, और कोई भी ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, और इन चीज़ों के ऊपर क्या है, बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट
वो कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ एयर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हवा में एयर बोर्न माइक्रोब्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, क्या कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। वो कहते हैं ऑर्गेनिजम्स आर स्प्रेड बाय कफिंग एंड सीजिंग फ्रॉम द ह्यूमन रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर सर्कुलेटेड बाय एयर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। वो कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्प्रेड होते हैं किसकी वजह से, कफिंग और सीजिंग, यानी कि हमारे खांसने से या छींकने से। जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसमें जितने भी गट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हमारे खांसने या छींकने की वजह से क्या होते हैं, सामने वाले में या एयर में क्या होते हैं, सर्कुलेट कर जाते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं डस्ट पार्टिकल्स भी इसी तरह हवा में मौजूद होते हैं। वो कहते हैं एयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी कैरिड आउट ऑन द डस्ट पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स। वो कहते हैं तो फिर यही पार्टिकल्स जो है ना वो हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स में या ड्रॉपलेट्स के ऊपर रह जाते हैं। वो कहते हैं ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस इनटू द एयर मे बी ट्रांसपोर्टेड अ फ्यू फीट और अ मैनी माइल्स। वो कहते हैं हवा में मौजूद जो ऑर्गेनिज्म है, हवा में मौजूद जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहता है कि ट्रांसपोर्ट हो सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है कुछ फिट तक या बहुत सारे माइल्स तक, यानी कि बहुत सारा डिस्टेंस तय कर सकता है, ठीक है ना। वो कहते हैं और अ सेकेंड और अदर सर्वाइवल और अ मीन, कहते हैं कुछ सर्वाइव कर सकते हैं सेकेंड्स में, कुछ कहाँ सेकेंड सर्वाइव कर सकते हैं कुछ सेकेंड तक, कुछ सेकेंड तक सर्वाइव कर सकते हैं। वो कहते हैं कुछ क्या तक सर्वाइव कर सकते हैं, वीक्स और मंथ तक। वो कहते हैं अब ट्रांसपोर्ट की उन्होंने बात की है कि हवा में मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे, हवा में मौजूद ऑर्गेनिजम्स आए कैसे, हमारे खांसने या छींकने हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्स है या हवा में या आपकी आपके आसपास जो भी कंटेंट है वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में चला गया, और हवा से कैसे ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, वो हवा चलती है इधर से उधर जाएगी तो वो फ्यू मील जा सकते हैं, फ्यू फिट जा सकते हैं और मे माइनी मील्स भी जा सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ क्या हो सकते हैं, मैटर के ऊपर जिंदा रह सकते हैं एक सेकंड तक, कुछ सर्वाइवल कर सकते हैं वीक और मंथ्स तक। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं फैट ऑफ माइक्रो एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं अनलिमिटेड फैट्स हैं एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गवर्न बाई कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज इंक्लूड द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वो कहते हैं बहुत सारी एयर में मौजूद जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं उनको जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, हवा में मॉइस्चर का होना ज़रूरी है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सनलाइट, सूरज की रोशनी, टेम्परेचर, एक मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, और ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कुछ जो है वो अबाउट 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी कर सकते हैं, और कुछ जो है वो माइनस ज़ीरो पे भी, और कुछ उससे भी नीचे जाके क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। अब एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कोल्ड इन्वायरमेंट से आया, फर्स्ट करें हम किसी ठंडी इलाके में गए थे और वहाँ से अपने साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले आए हैं, लेकिन जब वो यहाँ आया तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि हमारा मैदानी इलाका है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जबकि हमारे यहाँ नॉर्मली 40 गर्मियों में 50 मतलब 40 प्लस ही रहता है, तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरे साइज़ ऑफ पार्टिकल्स बियर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो तो डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो कौन से पार्टिकल पर बियर कर रहा है। अब अगर एक पार्टिकल का साइज़ ही क्या है, माइक्रोमीटर में 0.1 में है और उसमें बैठा हुआ ऑर्गेनिज्म जो है वो 1 माइक्रोमीटर है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो इतनी टीनी सी एरिए में इतना बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचर बहुत मैटर करती है। कहते हैं डिग्री ऑफ सब्सिस्टेंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ पार्टिकुलेट स्पीशीज टू अ फ्यू फिजिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है ना।